हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जेके फ्लिप फ्लॉप फॉर डिग्री स्टूडेंट पेपर थ्री ग्रुप बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। वी हैव टू रीड जेके फ्लिप फ्लॉप। This question is asked, so this is very important from the examination point of view also. Okay? तो हम लोग ये जानेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप आखिर है क्या। तो शुरुआत हम लोग करते हैं, अभी के समय में हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है यूज करते हैं, ठीक है। और जब उसमें कोई चीज हम डॉक्यूमेंट या फाइल रखते हैं या कुछ उस पर ऑपरेट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं वो सेव रहे, उसमें मेमोरी में वो जमा हो जाए, सुरक्षित रहे। तो किसी भी कंप्यूटर का एक वाइटल पार्ट है मेमोरी। अब मेमोरी क्या मेमोराइज करता है, मेमोरी किसको सेव रखता है? जो हम बोल रहे हैं एज इट इज, क्या वो सेव रख पाता है? हम लोग जो मॉनिटर पर लिखते हैं कोई चीज, कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, जो हम बोल रहे हैं, क्या एज इट इज उसको मेमोरी में रखता है? नहीं। एक्चुअली बाइनरी वर्ड को बाइनरी डिजिट के रूप में वो सेव करता है। तो किसी भी कंप्यूटर का मेमोरी जो एक वाइटल पार्ट है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होता था। देखिए हम यहाँ लिखे हैं इस जगह, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इम्प्लाइड मैग्नेटिक कोर मेमोरी। नाउएडेज विद द एडवांसमेंट इन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी, आईसी मेमोरी बिल्ट ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड कोर मेमोरी। अब तो आईसी बनता है, आईसी पर थाउजेंड एंड थाउजेंड ट्रांजिस्टर को सेट करके फिर उधर सेमीकंडक्टर चिप तैयार कर ले आता है, जो कि अब बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत इजी पड़ता है। सब चीज में इजी हो गया, हैंडल इजी टू हैंडल, ये स्पेस कम छेकता है, कॉस्ट भी कम पड़ता है, लाइट वेट होता है, वेट तो लगभग होता ही नहीं समझिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेमोरी एलिमेंट इज द फ्लिप फ्लॉप और लैच। ए फ्लिप फ्लॉप आल्सो कॉल्ड बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कॉन्स्टिट्यूट्स ए बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट बिकॉज इट हैज टू स्टेबल स्टेट। यही बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, टू स्टेबल स्टेट्स मतलब आप उसको किस रूप में बोल सकते हैं। लॉजिकली आप बोल सकते हैं वन जीरो, यस नो, इसको सेट या लॉजिक वन, वेर एज अदर स्टेट इज कॉल्ड रीसेट, क्लियर और जीरो। कई रूप में बोल सकते हैं इसको, सेट बोल सकते हैं, लॉजिक वन बोल सकते हैं, दूसरे को रीसेट, क्लियर और जीरो बोल सकते हैं। ये वन जीरो बाइनरी नंबर है। The flip-flops are capable of storing or retaining in memory binary digits. In memory, binary digits, so-called bits, B-I-T-S. Transition from one stable state to another may, however, on the application of clock pulses. Yani 1 se 0, 0 se 1, kata clock pulses ka application se. These pulses are a train of rectangular pulses. आर द पल्सेस टाइम टी पी बींग स्मॉल कंपेयर्ड विद टी टाइम पी, ये टी जो कैपिटल है टाइम। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फ्लिप फ्लॉप्स आर, हाँ देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप जो यूज होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, डी एन टी टाइप्स। द नेम जे के फ्लिप फ्लॉप इज टर्म फ्रॉम द इन्वेंटर जैक इल्वी एस आर फ्लिप फ्लॉप।
हैज टू डिसएडवांटेज। देखिए यहाँ जो लिखे ये लाइन लिखे द नेम जेके फ्लिप फ्लॉप टर्म मैटर जैक के लिए, जैक से जे लिया गया और किल्वी से के लिया गया, इसलिए नाम पड़ गया जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप के पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में दो अवगुण डिसएडवांटेजेस। इन एस आर फ्लिप फ्लॉप वी हैव टू डिसएडवांटेज। फर्स्ट इट्स ऑपरेशन आउट ऑफ वन वन स्टेज अनप्रेडिक्टेबल, फर्स्ट डिसएडवांटेज। एंड सेकंड इट इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज आउटपुट चेंजेज व्हेन द इनपुट चेंजेज। ठीक है नाउ देखिए द जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन, अब ये दोनों जो डिसएडवांटेज है इसको थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कर दिया गया, सुधार कर दिया गया जेके फ्लिप फ्लॉप में। सो जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द एस आर फ्लिप फ्लॉप वेयर एस इजकल टू आर इजकल टू वन इज नॉट ए प्रॉब्लम। इट ऑल्सो ऑपरेट्स व्हेन बोथ लॉजिक इनपुट्स आर एट लॉजिक वन। ये चीज प्रॉब्लम था एस आर में। द जेके फ्लिप फ्लॉप सर्किट ये देख रहे हैं, इट हैज टू इनपुट्स। देखिए ये जो आप जे देख रहे हैं ये एक इनपुट है, ये जो के देख रहे हैं ये दूसरा इनपुट है, और यहाँ जो है एक आउटपुट क्यू है, एक क्यू बार दूसरा आउटपुट है, यानी दो इनपुट दो आउटपुट। ठीक है और इधर से जो देख रहे हैं ये चीज इधर से देख रहे हैं, ये चीज यहाँ से, ये इधर से हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो फीडबैक इज प्रोवाइडेड फ्रॉम क्यू, इससे फीडबैक सर्किट मतलब क्या होता है, आउटपुट का एक हिस्सा लेके हम इनपुट दे देते हैं। तो क्यू से अगर फीडबैक देना है तो हम लोग इधर से भी रिटर्न कर सकते हैं, क्यू बार से देना है इधर से। और ये एंड गेट है, यहाँ देखिए ये एंड गेट है, इस जगह जो देख रहे हैं ये एंड गेट है। एंड गेट का दो टर्मिनल देख रहे हैं, दो टर्मिनल का ये दो इनपुट का ये, तो एक इनपुट पर तो के लगा हुआ है, दूसरा इनपुट पर फीडबैक लेते हैं, यहाँ भी एक जेल है और दूसरा इनपुट पर फीडबैक। तो एक्चुअली दो स्विच कर सकते हैं। ठीक है अकॉर्डिंग टू द टेबल बेस्ड ऑन द इनपुट द आउटपुट चेंजेज इट्स स्टेट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कंसिडर ऑल दीज कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉक सिग्नल। ये क्लॉक सिग्नल यहाँ आपको इस जगह ये है क्लॉक सिग्नल। ठीक अब आप देखिए मेन ये चीज समझना ये कि अगर दोनों इनपुट जे और के ये जीरो है, फ्लिप फ्लॉप डज नॉट चेंज इट्स स्टेट आफ्टर क्लॉकिंग एंड द जेके फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डिस इन डिसएबल्ड मोड। ठीक है दूसरा केस जे इजकल टू जीरो के इजकल टू वन, the output are q is equal to 0, q is equal to 1, q bar हो गए, and jk flip flop is in reset mode। ये हुआ दोनों पहले 0 दिए थे, एक 0 एक 1 दिए, अब दोनों 1, if j is equal to 1 k is equal to 1 the flip flop changes its state, it will toggle with clocked means that the normal Q output is switched between high and low states। यही है ये टोगल इसी को बोलते हैं कि ये हाई और लो जो 101 और इसका 1 Q का Q बार 1 होगा इसके बीच वो टोगलिंग करता है ढेरी करता है एट द रिपीटेशन रेट ऑफ द क्लॉक। द सिंबल एंड टू टेबल फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन फिगर। ये है देखिए यस इनपुट है, ये इनपुट है, ये क्लॉक है, क्यू आउटपुट है, क्यू बार आउटपुट है, ट्रूथ टेबल यहाँ है। ये एक्चुअली ट्रूथ टेबल ही बतलाता है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसी से हम लोग समझते हैं कैसे वो वर्क कर रहा है। या पहले बताए थे भी दोनों अगर जीरो, दोनों जीरो है, क्लॉक यहाँ दिखा रहे हैं ये क्यू डिसेबल्ड मोड बोले थे, आते हैं इस पर देखिए डिसेबल्ड और दूसरा बोले थे जीरो और वन लीजिएगा तो रीसेट मोड। ये देखिए रीसेट ये जीरो वन जीरो वन जीरो ये वन सेट मोड
वन वन क्यू बार टोगल्ड। ठीक, तो ये चीज है, ये एक शॉर्ट नोट में आता है ये क्वेश्चन डिग्री टू में इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थ्री ग्रुप बी में, लेकिन ज्यादा है। सो स्टूडेंट स्पेशली डिग्री टू स्टूडेंट स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन जेके फ्लिप फ्लॉप इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट आस्क्ड इन लॉन्ग आंसर, इट इज आस्क्ड इन शॉर्ट नोट बट रिपीटेड, सो यू हैव टू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। If you have any problem, you may ask, you may contact through social sites such as WhatsApp, Telegram, or as you wish. Thank you.